घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? क्या पुष्पा 2 को प्रमोट करने वाले हैं शाहरुख खान? क्या पुष्पा का होगा नया मेकओवर? कहां बिजी हैं पुष्पा 2 के डायरेक्टर्स? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंकुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हमारे बनी बन गए हैं SRK के फेवरेट। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें अल्लू अर्जुन का काम बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, जहां अल्लू अर्जुन पैन इंडिया तारीफ बटोर रहे हैं, वहीं लगता है अब इस लिस्ट में शाहरुख खान का नाम भी शामिल हो चुका है। शाहरुख की माने तो एज एन एक्टर उन्हें अपनी एक्टिंग ही फुल टाइम जॉब लगती है और इस जॉब में अल्लू अर्जुन काफी अच्छा कर रहे हैं। शाहरुख खान की माने तो अल्लू अर्जुन काफी एंटरटेनिंग है और इसी वजह से वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बॉलीवुड के किंग खान ने ये भी बताया कि पूरे इंडिया का दिल जीतना बहुत ही मुश्किल है और जब ये चीज़ अल्लू अर्जुन बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं तो जाहिर है कि उनमें कुछ खास बात तो है ही। इसके अलावा हम सबको पता है कि शाहरुख खान की पठान और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 दोनों ही आसपास रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में दोनों में से किसी एक मूवी को फेस करना पड़ सकता है थोड़ा सा लॉस, लेकिन फिर भी दोनों ही स्टार्स ने एक दूसरे की मूवीज के लिए बेस्ट विशेस भेजे हैं। अल्लू अर्जुन की माने तो SRK बहुत ही बड़े स्टार हैं और जबकि किंग खान इतने बड़े टाइम बाद लौट रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ बड़ा ही लेकर लौटेंगे। वहीं SRK ने भी पुष्पा 2 के लिए काफी एक्साइटमेंट दिखाई है और कहा है कि सभी को आर्ट प्रमोट करना ही चाहिए। ऐसे में अगर पुष्पा 2 की कहानी अच्छी होती है तो ऑडियंस को उसे प्यार तो देना ही चाहिए। इसके लिए अगर अल्लू अर्जुन चाहेंगे तो SRK भी उनकी मूवी को प्रमोट करेंगे। SRK ने ये भी कहा कि वो खुद तमिल सुपरस्टार विजय सेतुपति के साथ जवान में काम कर रहे हैं तो अब वो थोड़ा थोड़ा साउथ का कल्चर समझने लगे हैं, इसलिए वो भी वेट कर रहे हैं पुष्पा 2 का। पुष्पा 2 के लिए SRK तो बहुत ही एक्साइटेड हैं, लेकिन इंडिया की पूरी जनता पुष्पा 2 के लिए काउंटडाउन कर रही है। जहां लोगों ने इसकी शूटिंग शुरू होने का जश्न मनाया, वहीं स्टार्स भी पूजा करके शूटिंग आरंभ कर चुके हैं। मूवी में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे कि फहद फाजिल का और भी ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर, वहीं श्रीवल्ली की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अवतार। तो आपको कुछ सेम चीजें भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि रेड सैंडलवुड की तस्करी और समानता का ऊ अंडवा मावा 2.0। लेकिन इस न्यू प्लस ओल्ड पुष्पा में एक चीज है जिसके लिए हम खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और वो है पुष्पा का लुक। जी हाँ दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि पुष्पा का डर्टी लुक चेंज होने वाला है। बिल्कुल दर्शकों, पुष्पा 2 में पुष्पा का लुक सवरने वाला है। पुष्पा के पास तस्करी से तो खूब सारा पैसा आ ही रहा है तो मेकर्स ने सोचा कि क्यों ना उनका लुक अमीर दिखाया जाए। बस इसलिए पुष्पा परफेक्ट बियर्ड में आने वाले हैं हम सबके सामने। लेकिन आप घबराइए मत, ये लुक पूरी मूवी में नहीं रहेगा। पुष्पा का बस लास्ट में थोड़ा सा मेकअप किया जाएगा मूवी में क्लाइमेक्स डालने के लिए, बस इसीलिए ताकि मूवी की एंडिंग अच्छी हो। अल्लू अर्जुन खुद भी स्टाइलिश स्टार के नाम से तो फेमस है ही, तो बस इस बार पुष्पा 2 में भी वो इस अवतार में अपने फैंस के सामने आएंगे। खबरें आ रही हैं कि अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 की शूटिंग सितंबर में शुरू करने वाले हैं। तब तक मूवी के डायरेक्टर अपना काम निपटा रहे हैं। पुष्पा 2 के डायरेक्टर फिलहाल म्यूजिक रिकॉर्डिंग में बिजी है। मूवी में नए नए गाने आने वाले हैं और ये गाने श्रीवल्ली सामी सामी के लेवल के तो होने ही चाहिए, क्योंकि मूवी के ट्रेलर के बाद अगर कुछ सामने आएगा तो वो है इसके नए गाने। अब सुकुमार ने रिस्क ले ही लिया है नए गानों को बनाने का, इसलिए वो दर्शकों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, इसलिए वो गानों का सर दर्द पहले ही खत्म कर देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है प्रतिमा ने।